Union Telecom Minister Ravishankar Prasad said the good thing about these elections is that the BJP was performing well in areas that are traditionally not BJP bastions. तो कुछ लोग बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ अभियान चलाते हैं और जनता स्वयं कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है। आज का दिन सबसे बड़ा उल्लेखनीय यह है कि कई ऐसे इलाकों में कमल बहुत प्रभावी तरीके से खिला है जो हमारे पारंपरिक क्षेत्र नहीं रहे। आसाम में लगता है कि हम दो तिहाई नहीं तीन चौथाई बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट पर हमेशा बहुत ही ध्यान दिया है विकास के लिए। केरल में हमें लगभग 15% वोट मिलने की उम्मीद है, तो भविष्य वहां भी हमारा है। तमिलनाडु में वहां भी हमारे वोट परसेंटेज बढ़े हैं। बंगाल में बीजेपी ने अपनी पारंपरिक सीमाओं के बावजूद बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है।